सो हेलो एवरी वन, यू पीपल मस्ट बी वंडरिंग लास्ट क्लास देखते हुए देखते कि सर आप ये बीच में ही बोलते बोलते एकदम से ऐसे कैसे रुक गए। तो बेटा हुआ क्या, जो हमने सोचा था कि पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करना है, मैंने तो कंप्लीट भी कर दिया था। जब क्लास कंप्लीट होने के बाद में मैं चेक करने गया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, बैटरी पूरी ड्रेन हो गई थी। मेरा भी दिमाग खराब हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने स्विच ऑन करा तो मैं देखा अराउंड 1.5 घंटे की क्लास तो हो गई थी और कुछ पार्ट बचा हुआ था। तो हेयर वी आर विद दिस सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। मैंने आपको बताया था कोई भी यूनिट, कोई भी एंटरप्राइज, अगर उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ 1951 ये जो 10 करोड़ की लिमिट थी, ये थी केवल 5 लाख रुपए। अगर किसी भी यूनिट, किसी भी एंटरप्राइज का टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से कम का था तो वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर क्लासिफाइड थी। अब हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। सेकंड इज इक्वालिटी ओरिएंटेड एंड इक्विटी ओरिएंटेड। अब ये क्या है, ये बहुत ही इजी से पॉइंट है। लेबर इंटेंसिव तो मैं आपको समझा भी दिया था। मैंने आपको क्या बताया कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव थी। सर ये लेबर इंटेंसिव क्या होता है, तो बेटा लेबर इंटेंसिव वो इंडस्ट्री होती है जहां पे लेबर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और कैपिटल इंटेंसिव वो इंडस्ट्री होती है जहां पे मशीन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सपोज आप लोग अगर कोई बिजनेस चालू करते हो, अगर आपका काम ज्यादातर मशीन से ही हो जाता है, केवल एक या दो एम्प्लॉई चाहिए और सारा मशीन से काम हो रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री है कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा मैन पावर, ज्यादा एम्प्लॉयज, ज्यादा लेबर्स की जरूरत है तो आपकी इंडस्ट्री है लेबर इंटेंसिव। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो लेबर इंटेंसिव थी, देयरफॉर इट वाज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। और जो हमने इकोनॉमी को इनहेरिट करा था अंग्रेजों से, हमने कौन सी इकोनॉमी को इनहेरिट करा था बेटा, हमने इकोनॉमी को इनहेरिट करा था जो कि बहुत ही गरीब थी, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड, पुअर। जो हमारे लोग बाग थे वो बहुत ही गरीब थे, पुअर इकोनॉमी थी और बहुत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो वी इनहेरिटेड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी बट अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। और वो जो लेबर सरप्लस इकोनॉमी को हमने इनहेरिट किया था, उस लेबर सरप्लस, उन लेबर को, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की जरूरत है। क्यों? बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी और उनको फुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जरूरत है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जनरली कैपिटल इंटेंसिव, वेयर एज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी विच वॉज कैपिटल डेफिशियंट बट लेबर सरप्लस, एंड अकॉर्डिंगली प्लानर्स थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द सेकेंड फीचर ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज दैट इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सीबिलिटी एंड देयरफॉर इट इज इक्वालिटी ओरिएंटेड। बेटा जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जैसे कि रिलायंस का टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम है, रिलायंस टेक्सटाइल्स, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री केवल गुजरात में इस्टेब्लिश हो सकती है जहां पे उसका रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे रिलायंस टेक्सटाइल को जरूरत होती है कॉटन की, जूट की और सिल्क की, तो जो भी उसको रॉ मटेरियल जहां से मिलता है वो गुजरात में ही अपनी इंडस्ट्री को लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसको भारी मात्रा में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर वो असम में, ओडिशा में, राजस्थान में, कहीं दूर जाके अपनी इंडस्ट्री को लगा देगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी रॉ मटेरियल को लेके जाने की, वो ही बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है ना बेटा, वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही होती है, जहां पे भी उनको रॉ मटेरियल मिलता है वो वहीं पे अपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। मैं यहाँ से जयपुर से ऑपरेट कर सकता हूँ, आप लोग बरेली से, कोई मेरा दोस्त मध्य प्रदेश में अपने इंदौर से, कोई मेरा दोस्त मुंबई से, कोई मेरा दोस्त दिल्ली से, आप अलग अलग जगह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ऑपरेट कर सकते हो। इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इट इज इक्वालिटी ओरिएंटेड, कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल डेवलपमेंट। केवल कुछ पर्टिकुलर एरियाज जैसे कि बैंगलोर वगैरह, केवल इन्हीं का डेवलपमेंट नहीं हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केवल गुजरात के डेवलपमेंट नहीं हो, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्योंकि लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, छोटे छोटे बंदे हर जगह पे खोल सकते हैं। सो इट कंट्रीब्यूटेड टू द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ ऑल्सो। द
थर्ड फीचर ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज दैट इट इज इक्विटी ओरिएंटेड. हम जो गरीब लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे जो गरीब मिडिल क्लास लोग, हम लोग भी बिजनेस कर पाए, हम लोग भी पैसा कमा पाए, इसलिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जरूरत थी. गवर्नमेंट ने फोकस करा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि जो इकोनॉमिक पावर है उसका कंसंट्रेशन ना हो जाए. केवल टाटा बिरला अंबानी अडानी यही सारी इकोनॉमिक पावर इन्हीं के पास में कंसंट्रेटेड नहीं हो जाए, इसलिए भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करने की जरूरत थी. बिकॉज इट इज इक्विटी ओरिएंटेड, इट नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट. SSI नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एंड अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. बेटा हम इंडस्ट्री जो टॉपिक था, जो हम लास्ट क्लास से चलते हुए आ रहे थे, बीच में ही आपकी क्लास बंद हो गई थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम देखने वाले हैं ट्रेड के ऊपर. हम एग्रीकल्चर देख चुके हैं, इंडस्ट्री देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की क्या हालत थी हमारे 1950 से लेकर 1990 के बीच में, जब हमने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करा. हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल कर रहे थे तब क्या हालत थी वो तो आप लोगों को पता है. हाँ सर, आपने बताया था, वी वर नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. सर हम क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, तो उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी हमारे यहाँ से जाता था, और जो उनका फिनिश गुड्स बन जाते थे उसके लिए मार्केट भी उनको इंडिया में ही मिल जाता. ये हालत थी उस टाइम पे. वी वर हैविंग ए मोनोपोली कंट्रोल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट अब हमारी सरकार ने बोला कि ऐसा कब तक चलेगा कि हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे रॉ मटेरियल्स को और इंपोर्ट करते रहेंगे फिनिश गुड्स को. हमारी सरकार ने बोला हम एक स्ट्रेटजी लगाएंगे, और उस स्ट्रेटजी का नाम था स्ट्रेटजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. हमारी सरकार ने बोला कि हम जो भी फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, सर हमको ध्यान भी है, आपने पिक्चर लगाई थी सिलाई मशीन की, कंज्यूमेबल गुड्स, आपने मेडिसिन की फोटो लगाई थी, सिलाई मशीन की फोटो लगाई थी, हम ऐसे बेसिक गुड्स को भी जो इंपोर्ट कर रहे थे, हमारी सरकार ने बोला जिस भी फिनिश गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, और जब हम उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा. वी विल सेव आर फॉरेन एक्सचेंज. सर सेव आर फॉरेन एक्सचेंज वो कैसे? तो जब आपने फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करा तो आपको बदले में क्या देना पड़ा था? सर पैसे, और पैसे में आपको देना पड़ा था फॉरेन एक्सचेंज. अगर आप अमेरिका से इंपोर्ट करोगे तो अमेरिका की यूएस डॉलर, अमेरिका का डॉलर, यूएस से इंपोर्ट करोगे तो यूएस डॉलर, और अपने क्या बोलते हैं रशिया से करोगे तो उनकी करेंसी, चाइना से करोगे तो उनकी करेंसी. सो वेन एवर यू वर वी वर इंपोर्टिंग द फिनिश गुड्स वी हैव टू पे द फॉरेन करेंसी. बट क्योंकि जिन गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे थे अगर हम उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे तो हमको फॉरेन एक्सचेंज को नहीं देना पड़ेगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, प्लस हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलेगा हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से. सो वी अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, विच इज ए स्ट्रेटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज. मैंने आप लोगों को क्या बताया, हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा रहे थे बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच कंट्री हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Domestic industries offered protection from international competition through import restrictions and import duties. बेटा अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी बातें बताई कि हम domestic industries को protect करेंगे, और अब यही सारे मैं features आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलना. First, it implies domestic production of those goods which economy has been importing from rest of the world. सर इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं कि हम domestic production करेंगे उन goods का जो कि हम import कर रहे थे. Second thing, government wanted to protect domestic industry from international competition. Government चाहती थी कि जो हमारी domestic industry है वो protected रहे international competition से. तो हमने कई सारी import duties लगा दी थी कि कोई बाहर का बंदा, कोई जैसे Puma, Nike के आप जो shoes देखते हो, import duty heavy लगा दी कि बाहर के products हमारे इस market में ना आ पाए, और हमको हमारी जो domestic industry है वो protected रहे. तीसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूज फॉर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स. हम जो फॉरेन एक्सचेंज का यूज कर रहे थे इम्पोर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स को, अब फॉरेन एक्सचेंज का यूज केवल डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स के लिए किया गया. डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स क्या होते हैं? उन गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट
केवल उन गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकती, केवल उन्हीं गुड्स का हम इंपोर्ट करेंगे जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो सकती, या तो हमारे पास में उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है या हमारे पास में उसके रिसोर्सेज नहीं है। जिस भी गुड्स और सर्विसेज के हमारे पास में रिसोर्सेज है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, उसका तो हम यहीं पे प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जिसकी हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है केवल हम उन्हीं का इंपोर्ट करने वाले हैं। इंपोर्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली ओइंग टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट फंड्स। सो द गवर्नमेंट प्रिफर्ड टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम फॉरेन एक्सचेंज की यूज को इकोनोमाइज करेंगे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन। सर ये क्या चीज होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन? तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में तो हम फॉरेन एक्सचेंज को बचाएंगे, वी विल सेव द फॉरेन एक्सचेंज, वेयर एज एक्सपोर्ट प्रमोशन में होता है वी विल ऑन द फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज को कमाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करो, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमको मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज, बाहर वाले डॉलर्स देंगे, सो वी विल अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। वेयर इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी कहती है कि आप कम से कम गुड्स को इंपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो, सो वी विल सेव द फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान 1950 से लेकर 1990 में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी लगाई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन की नहीं। हम आगे ये भी देखने वाले हैं, ये आपका छोटा सा सस्पेंस है कि सर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमको क्या नुकसान हुआ था और कैसे आगे जाके 1990 के बाद में हमने इसको दूर करा था। सो योर एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे तो हम अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को और यहाँ पे हम करते हैं सेव, वी सेव द फॉरेन एक्सचेंज बाय डोमेस्टिकली प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच वी वर इम्पोर्टिंग। तो हमने ये वाली स्ट्रेटेजी को लगाया हमारे 1950 से 1990 के बीच में। तो बेटा यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा चैप्टर, एग्रीकल्चर कर लिया, इंडस्ट्री कर लिया, ट्रेड के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली स्ट्रेटेजी लगाई। अब जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है अब मैं उसकी एक समरी करने वाला हूँ, प्लस ये चीज़ आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो मैंने आपको अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपको एक समरी मिल जाएगी कि हमको एग्जाम में क्या लिख के आना है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। सो वी विल लुक इन टू द फीचर्स जो 1950 से 1990 में 5 ईयर प्लान्स के बारे में हम अभी तक पढ़ के आए, उसके क्या फीचर्स थे, उसके क्या अच्छे इफेक्ट्स थे, व्हाट वर द गुड इफेक्ट्स, और उसके क्या बुरे इफेक्ट थे, क्या क्या उसमें कमियां थी। सबसे पहले फीचर्स, सो द पब्लिक एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनका ज्यादा रोल रहने वाला था, IOCL, BPCL, NTPC इनका ज़्यादा रोल लेने वाला था। जो प्राइवेट सेक्टर थी आप जैसे और मेरे जैसे लोग, उनका तो केवल एक सेकेंडरी रोल था, वो भी अंडर परमिट लाइसेंस राज, हमको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ सर आपने वो जो बताया था ना 1956 की वो वाली पॉलिसी IBF इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो मैंने आपको बताई थी, उसमें आपने सर एक कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था इंडस्ट्रियल लाइसेंस का, तो हमको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स तो केवल एक सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे परमिट लाइसेंस राज के अंदर, मेन रोल तो था हमारे पब्लिक सेक्टर का। द थर्ड, वी फोकस्ड ऑन द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। अभी अभी हम जो ट्रेड में पढ़ के आ रहे हैं, वी फोकस्ड ऑन द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एज वेल एज इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने जो स्ट्रेटेजी लगाई उसमें हम सेव करने वाले थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज को एंड इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वी डिडंट ऑप्टेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी। जो हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे वो हम इसलिए कर रहे थे टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन दी कंट्री। हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बढ़ाने के लिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे हमने फोकस करा था एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए। हम देख के आ चुके हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है एंड देयरफॉर इट इज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। तो हमारी सरकार ने हमने जो 1950 से 1990 के बीच में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे तो फोकस करा एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को तैयार करने के लिए। द लास्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। हमारी सरकार ने 1950 से 1990 के बीच में
अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की सोची फॉरेन कंपटीशन से, कि फॉरेन का कंपटीशन हमारे यहाँ पे ना आ पाए। अब आगे के चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमने इस चीज़ को फिर सुधार किया। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, इसकी वजह से भी कुछ गलतियां हुई थी, क्योंकि हमने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करा था, इससे भी हमारे कुछ नुकसान हुए थे, हम आगे वो भी देखने वाले। तो अभी तो ये आपने कुछ देखे अपने फीचर्स कि हम पब्लिक एंटरप्राइज मेन रोल पे प्ले करेगा, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो केवल सेकेंडरी रोल है उनका, वो भी परमिट लाइसेंस राज के अंदर। हमने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी लगाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करा एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी के लिए। हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाने के लिए, और हमने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करा। तो इन सब चीज़ें करने की वजह से हमारे क्या अच्छे इफेक्ट्स थे, हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के क्या अच्छे इफेक्ट्स थे। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश, जो हमारा गोल भी था प्लानिंग का। सो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, जो हमारी नेशनल इनकम 0.5% से बढ़ रही थी, दैट वॉज रिकॉर्डेड अराउंड 6%। देयर वॉज 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग 1950 से लेकर 1990 तक हमारा जो एनुअल आउटपुट में इंक्रीज था वो अराउंड 6% था। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में, वो भी 13% से बढ़ के हो गया 24.6%, जो अभी भी कम था, लेकिन फिर भी देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टू द जीडीपी। अभी भी वो कम है, हमको उसको और बढ़ाना था, बट स्टिल इट वॉज अ गुड इफेक्ट कि हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। द सेकेंड वन वॉज देर वॉज ए मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्री। पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज थी बेटा अंग्रेजों के टाइम पे, वो केवल कुछ डिफाइंड थी, कॉटन में, जूट में, टेक्सटाइल में, केवल हम इसी चीज़ों का काम करते थे। लेकिन हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 से 1990 जो हमने 5 ईयर प्लान्स लगाए, उसकी मदद से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो भी एक मार्क डाइवर्सिफिकेशन था। हम आयरन एंड स्टील में भी घुस गए, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी घुस गए, तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक डाइवर्सिफिकेशन था। और ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ग्रो करने की वजह से हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट भी आया इंडियन इकोनॉमी में। बहुत सारी रोड्स बनने लग गई, बहुत सारे ब्रिजेस बनने लग गए, और भी कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट आए, बहुत डेवलपमेंट होने लगा हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ग्रोथ की वजह से। ग्रोथ ऑफ SSI मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। और जो हमने SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे भी जो फोकस करा था, उसकी वजह से भी हमारी ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ हुई, हमारी रीजनल इक्वलिटी प्रमोट हुई, हमारे क्या बोलते हैं, हर जगह से बंदे कुछ ना कुछ कमाने लग गए, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं हुआ। सो दीज वर सम ऑफ दी गुड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ पॉलिसी इन द दैट वी टुक, द 5 ईयर प्लान्स दैट वी टुक फ्रॉम 1950 टू 1990। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो बेटा थे कुछ अच्छे इफेक्ट्स, अब हम देखने वाले हैं सम बैड इफेक्ट्स ऑफ आर ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। जो हमने ग्रोथ स्ट्रेटजी लगाई थी उसके क्या बुरे इफेक्ट्स थे। सबसे पहला इफेक्ट, डोमिनेंस ऑफ योर पब्लिक सेक्टर। ब्रेड, शूज, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बेटा पब्लिक सेक्टर घुस चुका था। जैसे आज के टाइम पे अगर आप अपनी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे 1950 से 1990 तक हमने कई सारे लाइसेंस लगा रखे थे। और हमने जो मैंने आपको बताया था ना 3-fold क्लासिफिकेशन, कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो केवल पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। हाँ सर, आपने बताया था और वो आपने एग्जाम्पल भी दिया था, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और हमारा रेलवेज। तो बेटा एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज तो आज टाइम पे है कि केवल 3 ही इसमें केवल पब्लिक सेक्टर हो सकता है। उस टाइम पे 1950 से 1990 में वो लिस्ट लंबी थी। ब्रेड, छोटे मोटे जूते वगैरह, हर चीज में पब्लिक सेक्टर घुसा हुआ था। उनका जो डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का वो ज्यादा था। दैट अंडरमाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। हम जैसे लोग जो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, हमारा सिग्निफिकेंस कम हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। द सेकेंड मेजर बैड इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ पॉलिसी वॉज दोज PSUs, जो हमने PSUs बनाए थे, दे वर डेड सोशल वेट।
ये पॉलिसी मैंने शायद लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में भी डिस्कस करी थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना बेटा, देवर डेड सोशल वेट्स. क्यों? क्योंकि उसमें करप्शन भरा हुआ था, उसमें रिश्वतखोरी भरी हुई थी, चोरी चकारी भरी हुई थी, इसलिए दे प्रूव टू बी डेड सोशल वेट. बेटा वो लॉस मेकिंग जा रहे थे. आप अभी भी सुनते होंगे ना कि मोदी जी इस चीज को बेच रहे हैं, मोदी जी उस चीज का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पीएसयूज का. वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को पता है जैसे ही इनका प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये चीजें प्रॉफिट में आ जाएगी. हमारे पीएसयूज करप्शन से, चोरी चकारी से भरे पड़े हैं, इसलिए देवर लॉस मेकिंग, देवर जस्ट डेड सोशल वेट, जो कि वेस्ट कर रहे थे हमारे स्केयर्स नेचुरल रिसोर्सेज को. पब्लिक सेक्टर ग्रेजुअली टर्न्ड आउट टू बी डेड सोशल वेट बाय इनकरिंग ह्यूज लॉसेस. पीएसयूज लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर्स नेचुरल रिसोर्सेज. प्लस हमारे जो हमने पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आया था उसमें हमने बताया था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को अगर ऑपरेट करना है तो उसको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो बेटा उसका भी मिसयूज करा गया. क्या करा गया? हमारे परमिट लाइसेंस राज का मिसयूज करा गया बड़े बड़े लोगों के द्वारा. हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम बोले कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए ना, कोई बात नहीं. हम जाते कि सर हमको लाइसेंस दे दो, हमको कोई लाइसेंस देता ही नहीं था. ये जो बड़े बड़े आदमी थे, टाटा बिरला अंबानी अडानी, ये बड़े बड़े आदमी रिश्वत दे दा के सारे लाइसेंस यही लेते थे. हमारे जो परमिट लाइसेंस था हम जैसे लोगों को मिलता ही नहीं था. परमिट लाइसेंस राज भी मिसयूज करा गया. नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर ओपनिंग ऑफ न्यू फर्म्स और एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन वॉज मिसयूज्ड बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस. प्लस मैंने आपको फ्यूचर में भी बताया था और मैंने आपको ट्रेड के टाइम पे भी बताया था कि हमने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई थी. सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि जो भी गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे. और आपने फ्यूचर में बताया था कि हमारी डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट किया गया इंटरनेशनल कंपटीशन से. तो क्योंकि हमने हमारी डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट करा इंटरनेशनल कंपटीशन से, तो उनका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ. उन्होंने कोई नई चीज करने की सोची ही नहीं. उस टाइम पे बेटा जूते बनाने की बहुत कम कंपनियां थी. जैसे आज के टाइम पे तो आप देखते होंगे कि सर मेरे को शूज चाहिए तो मैं नाइकी के खरीदता हूँ, एडिडास के खरीदता हूँ, जो मतलब शानदार क्वालिटी वाले ना, इंटरनेशनल क्वालिटी वाले वैसे शूज खरीदता हूँ. लेकिन उस टाइम पे क्योंकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नहीं था तो हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मैच नहीं कर पाए थे. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर bad effects of the growth policy between 1950 to 1990. Protection of domestic industry stimulated its growth, but lack of competition and diversification failed us to achieve international standards of product quality. किस चीज के? International standards of product quality को हम achieve नहीं कर पाए थे because we offered protection to our domestic industries from international competition. लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंस, हमने कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई थी बेटा ट्रेड में? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की. और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी क्या कहती है? वी विल इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हम उसको केवल डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स में यूज लेंगे. वी विल सेव द फॉरेन एक्सचेंज, वी विल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस द गुड्स विच वी आर इंपोर्टिंग, बजाय की एक्सपोर्ट प्रमोशन के. जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटेजी कहती है टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, कि हम एक्सपोर्ट करें गुड्स का ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज को कमा पाए. हमने स्ट्रेटेजी लगाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, हम बस बचाते रह गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज को. हमने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट ही नहीं करा, हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बचाते रह गए. और ऐसे करने में यह हाल हुआ कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज इतने कम हो गए कि हमको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ गया. देयर कम्स इन टू पिक्चर, फिर आए हमारे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे मोदी जी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, आई नो आप लोग सब जानते होंगे. फिर ही केम इन टू पिक्चर. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसे ग्लोबलाइजेशन लेके आए, कैसे एलपीजी, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कैसे उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन करा, कैसे वापस से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े. सो सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट थी. आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग एंड बाय एंड ऑफ 1990 दे वर सो लो दैट वी हैड टू प्लेज आर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू सेल्वेज आर बोरिंग्स. हमको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ गया. ऐसी हालत हो गई थी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की. सो थैंक यू वेरी मच. ये थी हमारी क्लास. हम वैसे तो एक शॉट में ही कंप्लीट करने वाले थे, मैंने कंप्लीट भी किया था, बट क्योंकि हमारी बैटरी ड्रेन हो गई थी बीच में ही हो गई थी. सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, योर थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थैंक यू वेरी मच.